और रिलेशनशिप से जुड़ा डिप्रेशन है तो सबसे पहले जिस रिलेशनशिप में हो उस रिलेशनशिप से बाहर निकलो, छोड़ दो साले को, दूसरा पार्टनर देखो, मत सोचो कि आप चीट कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, नया पार्टनर देखो, तुरंत नया पार्टनर देखो, टिंडर पे जाओ, स्वैप करो। आपकी संगत कैसी है? नेगेटिव लोग जो हमेशा रोते रहते हैं, नाक में रोते रहते हैं, रंडी रोना रोते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है, ऐसे लोगों के साथ आप हैंगओवर कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ आप घूम रहे फिर रहे, संगत छोड़ दो। अच्छी दोस्त, अच्छे दोस्त बनाओ, नहीं मिलते मत बनाओ, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। हाँ, इंसान सामाजिक प्राणी है लेकिन कहीं भी जरूरत नहीं है आपको दोस्तों की। अगर आपके को अच्छे दोस्त नहीं मिल रहे, किताबों से दोस्ती करो, अच्छे वीडियोस देखो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में अच्छे पोस्ट पढ़ो, जरूरत नहीं है यार। और पता है, जब आप अच्छे दोस्त खोज रहे होते हो, आपका मन जब अच्छा, आप अपने मन को एक ऑर्डर दो, अपने दिमाग का सबकॉन्शियस माइंड को एक ऑर्डर दो कि मुझे अच्छे दोस्त चाहिए, कुछ दिन बाद आपको अच्छे दोस्त मिल जाएंगे। पहले उन खराब दोस्तों को छोड़ो, खराब लोगों की संगत को छोड़ो। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, कि खुद को कभी कम मत समझो। यकीन करो कि आप में वो ताकत है दुनिया को बदल देने की। अरे सारी दुनिया को नहीं, अपनी दुनिया को बदलने की ताकत आप में है, बस देर है खुद को समझने की। खुद को समझने के लिए सेल्फ हेल्प वाली बुक्स पढ़ो, अच्छे अच्छे पोस्ट देखो, अच्छी अच्छी बातों को समझो, नोट्स बनाओ, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, सुबह उठ के वर्कआउट करो, घूमने के लिए जाओ, नए नए रास्ते पर निकलो। नए नए रास्ते पे निकलने से आपका ब्रेन न्यूरोट्रॉफिक हार्मोन जनरेट करता है, जिससे हमेशा दिमाग नई चीज़ों को अचीव करने के लिए, नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार होता है। न्यूरोट्रॉफिक हार्मोन ब्रेन का ना स्नैक्स है, जब भी ये स्नैक ब्रेन को मिलता है, ब्रेन और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो नए नए रास्तों पर निकलो, खुद को मोटिवेट करो कि आप कर सकते हो। अपनी कार लेके निकल जाओ, अपनी स्कूटर लेके निकल जाओ, अरे नहीं है तो बस में चले जाओ, अपने शहर से दूसरे रास्ते पे निकलो, जिन रास्ते पे आप अक्सर नहीं जाते, उन रास्ते पे घूमने जाओ, तुरंत डिप्रेशन कम होता है, तुरंत डिप्रेशन कम होता है। पांचवा, पुरानी बातों को सोचना बंद करो। पुरानी बातें, पुराने इंसिडेंट्स, पुरानी सोच इंसान को अंदर से खोखला बनाती है। बंद करो जो चीज़ हो चुका है, अपने आप को प्रेजेंट में रखने की कोशिश करो। प्रेजेंट में रखने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, घूमने निकल जाओ कहीं। जब भी दिमाग भरा हुआ फील कर रहा है, जब भी दिमाग सड़ रहा है पुरानी यादों के साथ, पुरानी बातों के साथ, निकल जाओ अननोन रास्ते पे। कुछ पैसे जेब में रखो, निकल जाओ, पूरा दिन ट्रैवल करके आओ, नए नए लोगों से मिलो, नए लोग जगहों को देखो। जगह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शिमला मनाली जाओ, बस अपने शहर से दूसरे शहर निकल जाओ, बस का टिकट कटाओ 30 रुपये 40 रुपये, निकल जाओ, तुरंत मन हल्का होगा यार। और रिलेशनशिप से जुड़ा डिप्रेशन है तो सबसे पहले जिस रिलेशनशिप में हो उस रिलेशनशिप से बाहर निकलो, छोड़ दो साले को, दूसरा पार्टनर देखो, मत सोचो कि आप चीट कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, नया पार्टनर देखो, तुरंत नया पार्टनर देखो, टिंडर पे जाओ, स्वैप करो, उससे आपका जो पुराना पार्टनर वो आपकी इज्जत करेगा, पहले चीखेगा चिल्लाएगा झगड़ा करेगा और इज्जत भी करेगा। उसको ये डर होना चाहिए कि आपके पास कोई नया ऑप्शन मिल सकता है। लड़के हो या लड़की, दोनों को बोल रहा हूँ, लड़कों को मैं ये गलतफहमी होती कि लड़कों को ऑप्शन नहीं होती, भाई दुनिया में इतनी लड़कियाँ ना, आप सोच नहीं सकते। बस खुद पे काम करो, अपने स्मार्टनेस पे, अपने गुड लुक्स पे, अपने इंटेलिजेंस पे, और अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो पैसे पे। जिस लड़के के पास पैसा है उसे लड़कियों की कोई गमी नहीं। वेल, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, और इस तरह की बातें अगर आप सुनना चाहते हो, करना चाहते हो, कड़वी बात सुनना चाहते हो, मन को जलाना चाहते हो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, बात ऐसा है, जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत मासूम है और अल्टीमेटली बेहद खूबसूरत है। बर्बाद मत करो यार किसी के चक्कर में। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छी ऐसी बातों के साथ, तब तक के लिए नमस्ते अजी।